गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 16, सन मून एंड स्टार्स। ओके, इस चैप्टर में हम सन के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे और स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज़ द सन? वी सी द सन इन द डे टाइम। हम लोग सन को दिन के समय देखते हैं। ओके, द सन इज़ अ बिग बॉल ऑफ फायर। सन जो है वो हमारी आग का बहुत बड़ा गोला है। इट गिव्स अस लाइट, हीट एंड लाइट। इट शाइंस ब्राइटली इन द स्काई। ये क्या करता है, हमें हीट और लाइट देता है और आसमान में क्या होता है, बहुत तेज़ी से चमकता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सन जो है वो, सूरज जो है वो हमारा पूरब से निकलता है और पश्चिम में अस्त होता है। वेन द सन सेट्स द स्काई बिकम्स डार्क एंड इट इज़ कॉल्ड नाइट। जब सूरज अस्त होता है तो आसमान में क्या होता है, अंधेरा हो जाता है और उसे हम नाइट बोलते हैं, रात बोलते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सनलाइट। सभी प्लांट्स को, एनिमल्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मून? मून क्या होते हैं? वी सी द मून इन द नाइट। हम लोग रात में मून को देखते हैं। द मून लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल। मून हमें कैसा दिखाई देता है? वाइट कलर की बॉल की तरह दिखाई देता है, बड़ी वाइट कलर की बॉल की तरह दिखाई देता है। बट इट डज़ नॉट लुक द सेम एवरी डे। लेकिन ये हमें डेली डेली एक जैसा नहीं दिखाई देता है। इट चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। इसके जो शेप होते हैं वो दिन प्रतिदिन चेंज होते रहते हैं, मतलब डेली चेंज होते हैं। समटाइम्स वी सी द फुल मून एंड समटाइम्स ओनली अ पार्ट ऑफ द मून। कभी कभी हम सन को पूरा देखते हैं, मून को पूरा देखते हैं, और कभी कभी उसका हम केवल एक पार्ट देखते हैं। समटाइम्स वी डो नॉट सी द मून एट ऑल। कभी कभी मून हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द स्टार्स? देखिए स्टार्स क्या होते हैं। एट नाइट व्हेन द स्काई इज़ क्लियर वी सी मैनी स्टार्स इन ट्विंकलिंग। कभी कभी रात में जब आसमान में देखिए तो आसमान साफ होता है और बहुत से स्टार्स चमकते हुए दिखाई देते हैं। वी डू नॉट सी दैम इन द डे टाइम। हम इन्हें दिन के समय नहीं देख सकते हैं। स्टार्स आर ऑल्सो बिग बॉल ऑफ फायर। स्टार्स भी जो हमारे होते हैं वो बहुत बड़े आग के गोले होते हैं। द सन इज़ ऑल्सो स्टार। जो सन है हमारा वो भी एक स्टार है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। ये क्या है, हमारे अर्थ का सबसे पास का स्टार है। द अर्थ अदर स्टार्स आर वेरी वेरी फार अवे। जो दूसरे स्टार्स हैं वो उससे, हमारे अर्थ से बहुत दूर हैं, बहुत ज़्यादा दूर हैं। सो दे लुक वेरी स्मॉल। जो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं वो हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ओके, जो बहुत ज़्यादा दूर दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमको वो छोटे दिखाई देते हैं। ओके, सो स्पेंड टाइम विद योर पेरेंट्स आउटडोर। तो हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी हमें अपने पेरेंट्स के साथ बाहर टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, अंडर द ओपन स्काई एंड ऑब्जर्व द स्टार्स एंड द मून एट नाइट। आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे आप नीचे खड़े हुई है और कभी भी, कभी कभी आपको स्टार्स और मून को रात में देखना चाहिए, काउंट करना चाहिए। ओके, कैन यू काउंट द नंबर्स ऑफ स्टार इन द स्काई? क्या आप रात में आसमान के तारे काउंट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हम लोग, तारे क्या होते हैं, बहुत से होते हैं, अनगिनत होते हैं, इसलिए हम लोग तारों को काउंट नहीं कर सकते हैं। डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे? क्या जो मून का जो शेप होता है वो प्रतिदिन चेंज होता है? अभी आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया जो कि मून का जो शेप होता है वो प्रतिदिन चेंज होता है, डेली चेंज होता है। ओके, तो मून का जो शेप होता है वो डेली अलग अलग हमें दिखाई देता है। स्टार्स कैन नॉट बी स्टार्स कैन नॉट बी काउंटेड। स्टार्स को क्या हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। दे आर मैनी इन नंबर, क्योंकि ये बहुत नंबर्स में होते हैं, बहुत अनगिनत होते हैं। दे आर इन्यूरेबल, इनका कोई भी नंबर नहीं होता है कि आप काउंट करके नहीं बता सकते हो कि इनकी कितनी संख्या है।
यस, मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे, और जो मून का जो शेप होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है. ओके, योर चैप्टर इज फिनिश्ड एंड टुडेज योर होमवर्क इज वॉच योर वीडियो एंड रीड द चैप्टर.